सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो कि ये एनटीए का जो डीयू की वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये उसी पे चीज़ है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये है आपका डेट हो गया एक्सटेंड, ठीक है। देखो ये नोटिस आई है आज की, ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये नोटिस आई है आज की 31/3/2021, ठीक है, ये अभी की आई नोटिस, ठीक है। अब देखो इस नोटिस में लिखा क्या है कि आपका मेन मुद्दा बस यही पढ़ लो कि द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 28 अप्रैल 2021। मतलब 28 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट हो गई है, ठीक है, 28 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट हो गई है। और आप इसमें एक चीज जान लो कि आप एक अब अगर आपको फिर से फॉर्म भरना है तो बेशक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एक से ज्यादा भी, जो कि पहले भी था वो अभी भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए था, ठीक है, बट द विंडो, जो विंडो खोला गया है, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए, वो अब सभी पोस्टों के लिए खोल दिया गया है कि आप एडवर्टाइज पोस्ट कीजिए, अब वो सभी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अप टू 24/28 अप्रैल 2021। आपको इतने बजे तक, सॉरी, इस दिन तक आपको अपना फॉर्म भर लेना है, ठीक है, ये चीज है, आप इसको भर लो। और जो बच्चा चाहता है कि भाई कि यार एक बार रिस्क, मतलब एक बार इसको मन लगा के तैयारी करो, मेरे हिसाब से कि ये वैकेंसी, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है बेशक इसको मन लगा के इसको तैयारी करे, क्योंकि ये एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है, एनटीए का एग्जाम है, एनटीए एग्जाम लेगा इसको, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और डीयू का एग्जाम है, डीयू का एग्जाम है, तो समझ लो कि एक जो इंस्टीट्यूशन मिलेगा आपको, एक वेल रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन मिलेगा आपको जॉब करने के लिए, और ये कैरियर के स्टार्ट के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, ठीक है। इस चीज को लेके है, आप यहाँ पढ़ लो। अब ये देख लो, फर्दर इट इज नोटिफाइड दैट ऑल इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स दैट फॉर द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन, अगर कोई करेक्शन करना चाहेगा उसका विंडो खुलेगा कब, 30 अप्रैल से लेके 2 मई तक, ठीक है, 30 अप्रैल से लेके 2 मई तक करेक्शन विंडो इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप तब तक इस चीज को कर लेना, ठीक है। और क्या था, ठीक है, और इस चीज को मतलब आप एकदम समझ लो कि डेट एक्सटेंड हो गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की हुई है और सबकी नहीं, नहीं, जूनियर असिस्टेंट की तो हो ही है, ठीक है, बाकी सब पोस्ट की हो गई है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। तो इसको परेशान बिल्कुल वो मत लेना कि और नहीं भर सकता, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है। जो एक दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप सी भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप भर सकते हो, आप परेशान नहीं हो इसके लिए, ठीक है। और देखो, और एक चीज समझ लो कि मैं इसमें आपको अच्छी बताने वाला था, हाँ मैंने आपको चीज बता दिया, तो कोई परेशान की बात नहीं है। हाँ, अब एक चीज, अब देखो इसका एग्जाम कब तक ये हो सकता है, इसका एग्जाम मेरे ख्याल से पहले तो मुझे लगता है कि अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि अब तो डेट बढ़ गई है, अभी आपका एग्जाम चला जाएगा मई के लास्ट में, अभी आपका एग्जाम जाएगा मई के लास्ट में, और ये मई तक एग्जाम प्रोबेबली ये हो जाएगा, इसको मान के चलना। तो आपके पास अभी से लेके 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, इसलिए मैं आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पे, जिसको आप पढ़ो और अच्छे से निकालो, ठीक है। हर मतलब आपको लैब असिस्टेंट का मिल रहा है, और बेसिकली लैब असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए मैं एक दो दिन में एक बहुत बेहतर वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि इस चीज को मुझे कैसे फोकस करना है। इस पे मैं आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हर पोस्ट के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट सीरीज, फुल मॉक टेस्ट सीरीज, प्लस पीडीएफ, वो सब एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और लड़के बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन का लेवल दे रहा हूँ आपको, 6 महीने तक करंट अफेयर आपको पूरा कवर कराया जा रहा है उसमें, उससे बाद मुझे नहीं लगता करंट अफेयर बाहर आएगा, मतलब एक एक पॉइंट पे मेहनत की जा रही है, हर चीज आपको कराया जा रहा है, और प्राइस बहुत ही मिनिमम है, ठीक है, जिससे सब लड़का अफोर्ड कर सकता है,
वो तो खैर बाद की बात है। अब ये मुद्दा ये है कि आप इस चीज को मन लगा के तैयारी करो। और रही एक चीज समझ लो, जो बच्चों की बात थी डिस्क्रिप्टिव की, है ना। अब मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं सोचा था कि मैं आपको एक दो वीडियो लाने ही वाला था लैब अटेंडिंग के साथ, लेकिन मैं इसमें भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, डिस्क्रिप्टिव पे एक पोर्शन है इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश का बहुत में। तो इस पे मैं आपको एक फैकल्टी से बहुत जल्दी एक एक चीज समझवा दूंगा, एक एक पॉइंट हमको कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम में, सारे पोस्ट में आपके आएगा। तो मैं आपको एक फैकल्टी से, बहुत बेहतरीन फैकल्टी से आपको पढ़वाऊंगा ये सब चीज। ये पूरा एप्लीकेशन पे भी रहेगा, एप्लीकेशन पे रहेगा, ठीक है, और यूट्यूब पे भी रहेगा। हाँ, ये क्लासेस आपको लगभग मेरे ख्याल से 5 अप्रैल के बाद मिलेगी। और जो कुछ क्लासेस जो मेरी मैथ्स की क्लासेस होंगी, जो मेरी मैथ्स की क्लासेस जो आपको मिलेंगी, वो बेसिकली रेगुलर आपको कभी वो मतलब एकदम 5 अप्रैल के बाद ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब रेगुलर बेसिस पे, कैसे कि आज एक मिल गई, ठीक है, अच्छी खासी, इसमें खूब खूब क्लासेस आपको खूब क्वेश्चन करा देंगे एग्जाम रिलेटेड, फिर कुछ दिन बाद मतलब एक दो दिन बाद ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ये चीज है। क्योंकि लड़के बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब तो देखो, जैसे मेरे जहां तक मुझे पता चला था कि इसमें आई थिंक 1.5 लाख तक फॉर्म टोटल अप्रोक्स फिल किया गया था। आई एम नॉट श्योर, मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया, ठीक है, कि सर शायद इस तक फॉर्म फिल किए गए हैं। तो अब हो सकता है कि अब 1 महीने का अगर टाइम मिल गया है तो फॉर्म और भी फिल किए जाए, सिर्फ एक पोस्ट नहीं, सारे पोस्ट को मिला के। आई एम नॉट श्योर, इसके लिए मैं आपको मैं श्योर कि मैंने पर्सनली नहीं देखा है, आज ही एक बच्चे ने मुझे बताया सर इसके अप्रोक्स है, ठीक है। तो ट्रैफिक मेरे हिसाब से तो कम है, ट्रैफिक अगर देखो तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। तो कंपटीशन आप दे सकते हो, उसको तैयारी करो मन लगा के, है ना। बाकी और कुछ डाउट हो टेस्ट सीरीज रिलेटेड की मैं क्या क्या आपको कैसे कैसे करवाऊंगा, तो वो सब आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सबसे पहली बात तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम लिंक है, उसको तो ज्वाइन करना ही करना है, टेलीग्राम को, है ना। और जो मैं पीडीएफ और कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा भाई, वो बेहतरीन लेवल का है, ठीक है। और लैब अटेंडर्स असिस्टेंट के लिए भी आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ, उसमें सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको है और सब कुछ है बेसिकली, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है और पीडीएफ भी है, सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, तो वो टेंशन की बात तो है नहीं। अब आपको क्या करना है कि जो लड़का टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि सर बता दो हम तैयारी कहाँ से करें। देखो ऐसे, अब कोई बुक तो जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत से बुक हैं, बट मुझे उसमें एरर्स लगे, ठीक है, या मुझे उतने ऑथेंटिक भी नहीं लगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, आपको क्या करना है कि जो 10th लेवल है उस पर तो टेंशन लेना ना, उसके ईजी आएंगे, बट जो 12th लेवल वाला है ना उसके पेपर आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है, उसके पेपर आपको अच्छे मिलेंगे। और आपको करना क्या है कि आपको जो अदर एग्जाम्स के होते हैं इस पोस्ट के लिए, 12th वाले पोस्ट के लिए, ठीक है, जैसे यूपी में भी होता है उस पोस्ट के लिए, ठीक है, दिल्ली में भी होता है, डीएसपी भी कराता है, ठीक है, राजस्थान भी कराता है, हरियाणा भी कराता है, तो आपको ये सब के पेपर निकालने हैं और भी स्टेट के पेपर निकालने हैं, और आपको इसकी तैयारी करनी है। प्लस आपको 10th 11th का भी, 12th का भी सब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। इसका पेपर आपको 12th वाला जो पेपर है वो आपको अच्छा लेवल का मिलेगा, ये आप बात समझ लो, ठीक है। जो आपके डिसिप्लिन के पेपर जो होंगे बेसिकली, वो सब पेपर तो आसान मिलेंगे, बट जो आपके डिसिप्लिन के पेपर होंगे ना वो आपको अच्छे मिलेंगे, इस चीज़ को आप समझ लो, एक एक चीज़, ठीक है। तो बस ये चीज़ था, और जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है इस फॉर्म को बिल्कुल भरे, ठीक है। और मैं एक एक चीज़ आपको एक दो दिन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो लैब अटेंडेंस असिस्टेंट के लिए, तो परेशान नहीं होना है इसके लिए बिल्कुल भी, ठीक है, कि इसमें जो टेंशन आ रही है बेसिकली मैं कल ही कराऊंगा, कल 1 अप्रैल को मैं लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर और किसी को डाउट हो, टेलीग्राम पे लिंक है, आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो, और मोबाइल नंबर पे आप मेरे उस पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, सभी को जय हिंद, राधे राधे।